हेलो गाइस, मैं हूं संदेश शेडेकर और आप सभी का स्वागत है हाउ टू बिकम अ साइकिल रेसर इन इंडिया लेवल 2। सो आई नो दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट कि ये लेवल 2 बहुत ही लेट हुआ है, बट आई वांटेड लेवल 1 टू रीच ऑडियंस और लोग उसे ध्यान से देखें, क्योंकि दैट वाज अ वेरी बेसिक वीडियो एंड दैट इज फंडामेंटल ऑफ साइकिलिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अगर आपने वो लेवल 1 वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए, फिर लेवल 2 देखिए। गाइज, आई टेल यू, आई एम रियली वेरी हैप्पी लुकिंग एट ऑल द कमेंट्स और DMs टू माई सोशल मीडिया। लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और सेकेंडली लोगों को इतना साइकिलिंग में कुछ करियर करना है, दैट्स अमेजिंग। और अपने देश के लिए मेडल लाना है, दैट्स एब्सोल्युटली किलर। और दैट गिव्स मी मोर मोटिवेशन टू यू नो परस्यू दिस। सो थैंक यू गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अभी लेवल 2 है क्या? अभी करंटली आपके पास कोई भी कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं है साइकिलिंग वर्ल्ड से। लोग मुझे यही DM करते हैं और मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि आई वॉज अ कम्प्लीट आउटसाइडर। आपको करना क्या है, सीधे गूगल पे जाना है और सर्च करना है प्रोफेशनल रोड बाइक स्टोर्स नियर मी। ओके, इससे होगा क्या कि आपको ऐसे शॉप्स मिलेंगे जहां पर रोड बाइक्स मिलते हो या फिर उनकी एसेसरीज, हेलमेट्स, गॉगल्स, ऐसे कुछ जेल्स, ऐसे स्टोर्स में जाना है, साइकिलिंग शूज। उससे होगा क्या कि मेरे जैसे राइडर्स वहां पर आते हैं शॉप्स में, और शॉप ओनर, शॉप स्टाफ यूजुअली एक्स साइक्लिस्ट होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है साइकिलिंग वर्ल्ड के रिलेटेड। फर्स्टली उनको इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होता है, वो आपको देख के बता देंगे कि आप साइकिलिस्ट हो या नहीं। और थर्डली वो उनका इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, कैसे मैं बोल सकता हूँ, रेस ऑर्गेनाइजर्स फर्स्टली, सेकेंड इज स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन सभी लोगों और लोकल स्टेट राइडर्स जो कि आपके अगल बगल रहते हैं, ठीक है, उन सभी से इनका कांटेक्ट होता है, क्योंकि इनका कांटेक्ट पे ही बिजनेस चलता है, राइट। सो आपको करना क्या है, वहां पर जाना है और आपको कम्युनिकेट करना है कि मैं अभी सर मैं नया आया हूँ ये स्पोर्ट में और प्लीज मुझे आप गाइड कीजिए, या फिर कोई लोकल स्टेट राइडर होगा उसका आप मुझे नंबर दे दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, वो आपको मेरा नंबर दे देगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप उसके साथ राइड कर सकते हो जिस बंदे को थोड़ा एक्सपीरियंस है रेसिंग के बारे में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो बाइक शॉप्स है वो आपको हेल्प कर सकते हैं कोचेस ढूंढने में भी। यस, यू आर राइट, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स है, सो यू कैन आस्क देम फॉर कोच एज वेल। सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपको क्या करना है, उनको क्लब्स के बारे में पूछना है, साइकिलिंग क्लब्स जो आपके एरिया में हो, आपके एरिया में राइडर्स हो, उनके साथ टाई अप करना है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। बट अगर ये भी नहीं होता, ठीक है, सो देर शुड बी ऑलवेज अ प्लान बी। अगर आपके फॉरबिडन आपके एरिया में नहीं है या फिर आपको उतना यू आर नॉट कंफर्टेबल और एनीथिंग, ओके, सो आपके पास एक बैकअप प्लान क्या हो सकता है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो है लिंक CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसमें कि आप अलग अलग स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर्स और ईमेल आईडीज दिए हुए हैं। हो गया कम्युनिकेशन, हो गया। अभी थर्ड इज पार्टिसिपेशन। अब आपको सब मिल गया है, राइट, लोकल राइडर, सब कुछ, राइट। आपको करना है कि सब में पार्टिसिपेट करना है, आपको जान डालनी है उसमें। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जितना लोगों के साथ पार्टिसिपेट करोगे, इवेंट्स होने दो या फिर संडे राइड्स होने दो, वीकेंड राइड्स होने दो, कम्युनिटी रेसिंग होने दो, दिस 3 points वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वहाँ पर जाके बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर, और लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग वहाँ पर आते हैं और वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि मे बी वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग इन योर साइकिलिंग। अगर आपकी सीट हाइट बहुत ही ऊंची है या फिर बहुत नीचे है, राइट,
देन इट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप हेलमेट उल्टा पहन रहे हो देन इट इज अ प्रॉब्लम। ओके, आप बहुत बॉडी मूवमेंट कर रहे हो साइकिलिंग के वक्त, देन इट इज अ प्रॉब्लम। वो आपको एक थर्ड पर्सन होना ही चाहिए जो आपको गाइडेंस करे, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और पार्टिसिपेशन का महत्व क्या है कि वो इट इज लाइक अ टेस्ट। आप जब भी कम्युनिटी रेसिंग करोगे, कम्युनिटी रेसिंग इज इक्वल्स टू यूनिट टेस्ट। आप डायरेक्टली फाइनल एग्जाम तो नहीं देते स्कूल्स में, आपको छोटी छोटी एग्जाम्स पहले देनी होती है। सीखने में, सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास करेंटली कुछ भी नॉलेज नहीं है और साइकिलिंग में बहुत कुछ नॉलेज गेन करना होता है। जैसे कि कौन सा साइकिल है, कौन से व्हील्स है, कौन से टायर्स है, अब कौन सी जर्सी पहननी है, क्या बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, कैडेंस क्या होना चाहिए, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है साइकिलिंग में। सो ये बहुत सीखना जरूरी है, राइट। और आप जब भी दूसरों के साथ परफॉर्मेंस दोगे, आप टेस्ट दोगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाउ गुड आर यू इन दिस, सेम लाइक द लेवल वन। ओके, सो आपको पहले इसमें पार्टिसिपेट करना है, फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में करना है। अगर इफ यू आर गेटिंग अ चांस, तो ये टाइम अभी नेशनल गेम्स होने वाले हैं और नेशनल चैंपियनशिप्स अक्टूबर में होने वाले हैं, अक्टूबर 2022। सो इफ यू आर गेटिंग अ चांस, गेट ऑन टू द स्टेट टीम। ओके, स्टेट का ट्रायल्स होगा, आप स्टेट ट्रायल्स में जाइए, जरूर जाइए, ठीक है। और वहां पर पार्टिसिपेट कीजिए, वॉट एवर द रिजल्ट यू विल कम टू नो व्हाट्स द स्टैंडर्ड। ओके, आपको क्या करना है साइकिलिंग में जाके। अब आते हैं हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, द बोनस पॉइंट। अब बोनस पॉइंट है क्या, जो कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है साइकिलिंग में, साइकिलिंग के वजह से मेरे में क्या चेंजेस आए हैं मेरे लाइफ में, वो मैं आगे चल के उसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, कि उसमें मैं कवर करूँगा कि मेरे एजुकेशन में मार्क्स और मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल कैसे बूस्ट हुआ, मेरा मोरल कैसे बूस्ट हुआ, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हुआ, मेरा लाइफ के टूवर्ड्स नज़रिया कैसे चेंज हुआ। लास्ट में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपको ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना है साइकिलिंग के बारे में, और अगर आपको ये प्रोसेस ज्वाइन करना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स चैनल के सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और लाइक भी ठोक देना, शेयर भी करना। Thank you for watching and see you. Stay safe, pedal hard.